Hello children, in this video you will learn how to create HTML form. So what is HTML form? HTML forms are means to collect information or data from the site visitor. तो हम HTML form का क्या use है, आप किसी भी site, जो sites होती है different different sites, वो HTML form की help से आपसे data collect करती है, आपसे information collect करती है, right? It is done with the help of controls that collect the information and send it over. ये किसकी help से होता है, जो forms के अंदर different different controls use किए जाते हैं, okay? उन controls के अंदर आप data अपनी information फिल करते हो और वो क्या होता है, वो बैकएंड पे जाता है, ओके. जो फ्रंट एंड होता है उस पे आपको फॉर्म दिया जाता है और जो भी आप इंफॉर्मेशन सबमिट करते हो वो बैकएंड में जाके सर्वर के पास जाके उसकी प्रोसेसिंग होती है. फाइन, सो लेट अस स्टार्ट हाउ टू क्रिएट द फॉर्म हियर. ओके, सो हियर वी हैव, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद एचटीएमएल हेड. ओके, इन हेड यू विल गिव द टाइटल. यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन. ओके, हमने दे दिया यूजर रजिस्ट्रेशन. टाइटल क्लोज एंड हेड क्लोज. फाइन, नाउ अब आप बॉडी स्टार्ट करोगे. बॉडी, बॉडी के कुछ हम वो दे देते हैं, एट्रीब्यूट दे देते हैं. जैसे मैंने दे दिया बॉडी बीजी कलर, बीजी कलर मैंने दे दिया साइन. ओके, एंड टेक्स्ट किस कलर में आए, टेक्स्ट आ जाए हमारा ब्लू कलर में. फाइन, ओके. नाउ एक हेडिंग दे देते हैं फॉर्म को सेंटर में, सेंटर टैग. ओके, H1 हेडिंग रजिस्ट्रेशन पेज या रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो. ठीक है, H1 हेडिंग एंड देन सेंटर क्लोज. फाइन, ओके. नाउ हियर वी विल स्टार्ट विद द फॉर्म टैग. फॉर्म टैग से हम स्टार्ट करेंगे. ओके, फॉर्म टैग क्या है, कंटेनर टैग है, राइट. और फॉर्म टैग के भी क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, नेम एट्रीब्यूट, एक्शन मेथड. ये मैं आपको एंड ऑफ जब हम पूरा कंप्लीट फॉर्म बना लेंगे ना तब मैं समझाऊंगी कि जो फॉर्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं. पहले हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसके कंट्रोल्स लगाते हैं. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम बनाएंगे वन लाइन इनपुट बॉक्स. ठीक है, सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल. ओके, जिसके अंदर आप सिंगल लाइन मतलब एक लाइन का टेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, इनपुट कर सकते हो. और ये आप किसकी हेल्प से करते हो, इनपुट टैग की हेल्प से करते हो. फाइन, तो सबसे मैंने लिया, सबसे पहले लिया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम. फाइन, एंड देन इसमें आपने दिया इनपुट. इनपुट टैग की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप वन लाइन का एक इनपुट बॉक्स क्रिएट कर सकते हो. फाइन, ओके. इनपुट टाइप, अब टाइप दोगे. ओके, टाइप एट्रीब्यूट में आपने दे दिया टेक्स्ट. फाइन, ओके. टाइप एट्रीब्यूट क्या है, इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ इनपुट कंट्रोल यू वांट टू क्रिएट. ये आप बताते हो किस टाइप का आप इनपुट बॉक्स बनाना चाहते हो. टेक्स्ट इनपुट बॉक्स बनाना चाहते हो, पासवर्ड इनपुट बॉक्स बनाना चाहते हो, रेडियो बटन बनाना चाहते हो, चेक बॉक्स बनाना चाहते हो, तो यहाँ टाइप में आप स्पेसिफाई करोगे. तो अभी मैंने टेक्स्ट स्पेसिफाई किया है, तो किस टाइप का इनपुट बॉक्स बनेगा, टेक्स्ट इनपुट बॉक्स बनेगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट एट्रीब्यूट में दूंगी इसका, हमने दे दिया नेम. नेम में मैंने दे दिया रियल नेम, सॉरी रियल नेम. ओके, रियल नेम. अब नेम एट्रीब्यूट है, उसका क्या यूज है, नेम ऑफ कंट्रोल विच इज सेंड टू द सर्वर. ये क्या है, कंट्रोल का नेम है जो कहाँ जाएगा, जब फॉर्म की प्रोसेसिंग होगी तो वो सर्वर के पास जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस कंट्रोल का नाम हो गया रियल नेम. ओके, नाउ वी हैव साइज, साइज एट्रीब्यूट. साइज मैंने दे दिया यहाँ पे 40. साइज क्या होता है, इट स्पेसिफाइज द विथ ऑफ द टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ करेक्टर. साइज 40 मींस अब इस बॉक्स के अंदर 40 करेक्टर्स आप फिल कर सकते हो. ओके, आप 40 से ज्यादा करेक्टर्स नहीं फिल कर सकते. फाइन, अब क्या है, मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ.
मैक्स लेंथ मैंने दे दी यहाँ पे, मैक्स लेंथ भी जब हम 40 कैरेक्टर्स कर सकते हैं तो मैक्सिमम लेंथ भी 40 दे देते हैं. ओके तो ये भी क्या है, इट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अ यूजर कैन एंटर इन टू द टेक्स्ट बॉक्स. मैक्सिमम लेंथ भी वही है कि उसकी लेंथ कितनी है, वो 40 कैरेक्टर्स ही कंटेन कर सकता है. फाइन, आप मैक्सिमम लेंथ ज्यादा भी दे सकते हो. ओके तो मैंने इतना दे दिया है. फाइन, अब हम दे देते हैं br टैग लाइन ब्रेक के लिए. ओके ये हमने फर्स्ट दिया था, अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं. ओके कंट्रोल वी, अब फर्स्ट नेम की जगह यहां मैं कर देती हूँ लास्ट नेम. इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम यहाँ पे हम दे देते हैं सरनेम. ओके साइज 40, मैक्स लेंथ हमारी 40 है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो इनपुट बॉक्स बनाए हैं. ओके और यू कैन से दो मैंने क्या बनाए, टेक्स्ट बॉक्स बनाए. फाइन, ओके सी. अब देखो अगर आप इनको देखना चाहते हो, ठीक है, तो हम इसको सेव करते जाते हैं साइड बाय साइड, जो भी बनता जाएगा उसको, जो भी कंट्रोल हमारा क्रिएट होता जाएगा उसको हम देखते जाएंगे. फाइन, तो यहाँ पे हम करते हैं सेव एस. डेस्कटॉप पे मैं इसको दे देती हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट html. ओके रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट html मैंने दे दिया है. फाइन, ये आ गया हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओपन विद गूगल क्रोम कर देते हैं. फाइन, नाउ इट इज स्टार्टिंग. अब देखो यहाँ पे हमारे दो इनपुट बॉक्स बन गए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. फाइन, अब देखो मैं इसको क्या करती हूँ, इसको हम यहाँ ले लेते हैं, इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, इसको इसको भी हम फाइन. ओके तो सबसे पहले हमने दो इनपुट बॉक्स बना लिए. फाइन फाइन, अब हम बनाएंगे पासवर्ड बॉक्स. ठीक है, यहाँ पे मैं ले लिया पासवर्ड. ओके इनपुट टाइप, इनपुट टाइप में आपका आप क्या दोगे, पासवर्ड दोगे. ओके पहले आपने टेक्स्ट दिया था टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए, अब आपका पासवर्ड बॉक्स बनेगा. ओके तो जिसमें आप जो भी करेक्टर दोगे वो किस में आएगा, वो अपीयर नहीं होगा, वो दिखाई नहीं देगा. ठीक है, नेम हमने दे दिया इसका pwd, कुछ भी दे सकते हो आप नेम. ओके साइज मैंने दे दिया पासवर्ड का 10 के 10 करेक्टर्स का ही पासवर्ड होना चाहिए. मैक्स लेंथ हमने दे दिया बॉक्स की 10. ओके फाइन. ओके एक एक और फील्ड बनाते हैं, रीटाइप पासवर्ड. रीटाइप पासवर्ड फाइन, इसमें हम इसको कॉपी कर लेते हैं. रीटाइप पासवर्ड. ओके इनपुट टाइप आपका पासवर्ड रहेगा. ओके नेम आप दे दो इसका रीपास, कुछ भी दे सकते हो. इसका नेम मैंने दे दिया रीपास. फाइन साइज एंड मैक्स लेंथ सेम. ओके इसको सेव कर दो. अब हम जाएंगे इस पे, इसको रिफ्रेश करेंगे. देखो दो फील्ड आ गए. अगर आप मैं इसमें कुछ भी टाइप करती हूँ तो देखो वो विजिबल नहीं है. फाइन ये विजिबल नहीं है, हाइड हो रहा है. तो अभी हमने बनाए हैं दो टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड बॉक्स, राइट. फाइन अब हम बनाएंगे. ओके नाउ अब हम बनाएंगे रेडियो बॉक्स और रेडियो बटन्स. ठीक है, रेडियो बटन्स बनाते हैं. फाइन, रेडियो बटन्स आर यूज्ड When only one option is required to be selected. Radio buttons कब यूज किए जाते हैं, जब आपको बहुत सारे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, राइट. तो मैंने यहाँ पे बना दिया जेंडर. ओके
इनपुट टाइप आपने यहाँ पे दोगे रेडियो, ओके. यहाँ पे हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, रेडियो बटन्स क्रिएट कर रहे हैं. फाइन, नेम आपने दे दिया, उसका जेंडर ही नेम दे देते हैं, जेंडर वैल्यू, वैल्यू मैंने दे दी एम, ओके. इसमें फाइन, ओके, मैं इसको यहां से कॉपी कर लेती हूँ. फाइन, यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो, नेम जेंडर एंड वैल्यू एफ, फीमेल एफ. ओके, इसके बाद हम दे देते हैं बी आर टैग. यहाँ पे बी आर टैग दे रही हूँ लाइन ब्रेक के लिए, जिससे हर जो भी कंट्रोल बन रहा है उसके बाद क्या हो, लाइन ब्रेक आए. फाइन, यहाँ पे जो टाइप एट्रीब्यूट है वो क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स दैट यू वांट टू क्रिएट अ रेडियो बटन. ठीक है, यहाँ से टाइप हमने रेडियो दिया तो रेडियो बटन क्रिएट होगा. नेम क्या है, नेम ऑफ द कंट्रोल, कंट्रोल का नाम है. जेंडर वैल्यू, वैल्यू किस लिए यूज होती है, इट इज यूज टू इंडिकेट द वैल्यू डेट विल बी सेंड टू द सर्वर इफ द ऑप्शन इज सिलेक्टेड. तो ये वैल्यू मतलब एम और एफ जाएगा, जब भी आप इसको सिलेक्ट करोगे तो जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ जाएगी, सर्वर के पास जाएगी, राइट. और अगर हमने इसके अंदर चेक्ड एट्रीब्यूट भी यूज किया होता तो क्या होता, इट इंडिकेट्स दैट दिस ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट व्हेन द पेज लोड्स. अगर आप चेक डॉट लिख देते हो तो क्या होगा, तो जब जब आपका फॉर्म आएगा तो बाय डिफॉल्ट वो चेक्ड होगा, मतलब ऑलरेडी वो सिलेक्टेड होगा. फाइन, तो यहाँ पे हमने इतना बनाया, इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं, देखते हैं रेडियो बटन हमारी क्रिएट हुई है. रिफ्रेश, देखो रेडियो बटन क्रिएट हो गई, मेल फीमेल, एक बार में ये एक ही सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी एक ऑप्शन, राइट. ओके, नाउ अब हम बनाएंगे चेक बॉक्स. ओके, चेक बॉक्स आर यूज्ड व्हेन मोर देन वन ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्टेड. चेक बॉक्स का कहाँ यूज होता है, जब हम एक से ज्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं. ओके, व्हेन अ चेक बॉक्स इज सिलेक्टेड इट्स नेम वैल्यू पेयर इज सेंड फॉर प्रोसेसिंग. और जब चेक बॉक्स सिलेक्ट होता है तो उसकी नेम और वैल्यू पेयर चली जाती है सर्वर के पास. जैसे यहाँ पे नेम वैल्यू, हर कंट्रोल का नेम और वैल्यू पेयर जाता है सर्वर के पास प्रोसेसिंग के लिए. फाइन, इसलिए अब हम देंगे बनाएंगे चेक बॉक्स. जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया हॉबीज, ओके, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप में मैंने क्या दिया, चेक बॉक्स. ओके, नेम यहाँ पे मैंने दे दिया इसका H1 और वैल्यू दे दी है इसकी पेंटिंग. फाइन, पेंटिंग, ओके. तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं. कंट्रोल बी, इनपुट टाइप आपका चेकबॉक्स, ठीक है. नेम यहाँ पे आप S2 कर दो, ओके, एंड वैल्यू आप दे दो रीडिंग, रीडिंग, ठीक है. तो जब आपके फॉर्म की प्रोसेसिंग होगी तो किसका पेयर जाएगा, नेम प्लस वैल्यू का पेयर जाएगा सर्वर के पास, कि आपके कंट्रोल का नेम क्या है, H1 है, वैल्यू क्या है, पेंटिंग है. अगर आपने इसको सिलेक्ट किया, अगर आपने सेकंड को सिलेक्ट किया तो नेम क्या है, H2 है, वैल्यू क्या है, रीडिंग. ओके, तो ऐसे पेयर होके सर्वर के पास जाता है, ठीक है, रीडिंग. ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लेते हैं S3, वैल्यू हमारी हो गई म्यूजिक, म्यूजिक, देन योर H4 एंड वैल्यू आपकी हो गई यहाँ पे स्केटिंग, स्केचिंग, नॉट स्केटिंग, दिस इज स्केचिंग. फाइन, इसके बाद आप लगा दो बी आर टैग,
ओके तो यहाँ पे हमने क्या बनाया है, फोर चेक बॉक्सेस बनाए, और चेक बॉक्स की क्या करेक्टरिस्टिक से आप एक बार में एक से ज्यादा चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके तो सेव कर लेते हैं, नाउ वी विल सी, रिफ्रेश। अब देखो आपके चेक बॉक्स आ गए यहाँ पे, आपने पेंटिंग को सिलेक्ट किया, रीडिंग को सिलेक्ट किया, म्यूजिक को सिलेक्ट किया, आप सारे चेक बॉक्स करना चाहते हो तो सारे सिलेक्ट कर सकते हो, पर रेडियो बटन के साथ ऐसा नहीं, रेडियो बटन में एक बार में आप एक ही रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकते हो, फीमेल किया है, फिर अगर आप मेल करते हो तो फीमेल क्या होगा, डी सिलेक्ट हो जाएगा, फाइन। ओके अब हमने बना लिया चेक बॉक्स। ओके अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चेक बॉक्स ऐसा बनाते हैं जो ऑलरेडी चेक्ड मिले, जब फॉर्म लोड हो तो वो चेक मिले, तो हमने यहाँ पे लिखा PL प्लीज प्लेस मी ऑन योर मेलिंग लिस्ट, फाइन। और BR टैग हम इसलिए दे रहे हैं जैसे कंट्रोल के बीच में क्या हो, वन लाइन का डिस्टेंस हो, फाइन। यहाँ पे आप दोगे कंट्रोल भी इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम मैं दे देती हूँ यहाँ पे मेलिंग लिस्ट, मेलिंग लिस्ट वैल्यू। अच्छा अब यहाँ पे वैल्यू आप क्या दोगे, यस दोगे, यस बिकॉज इट इज ऑलरेडी चेक्ड, यस। ओके एंड आपने कौन सा एटीट्यूड दिया, चेक्ड चेक्ड, फाइन। जब आप चेक्ड एटीट्यूड देते हो तो क्या होगा, जब फॉर्म लोड होगा तो वो कंट्रोल ऑलरेडी सिलेक्टेड सिलेक्टेड होगा। ओके ओके अब हम देखो यहाँ पे इसको सेव कर दिया, नाउ रिफ्रेश, नाउ यू कैन सी ये क्या है, ये जो चेक बॉक्स आया है वो क्या है, सिलेक्टेड है, आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट नहीं करना, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ओके अब हम क्रिएट करेंगे सिलेक्ट बॉक्स, सिलेक्ट बॉक्स या फिर आप उसको कॉम्बो बॉक्स भी कह सकते हैं, सिलेक्ट लिस्ट कंट्रोल भी कह सकते हैं, ड्रॉप डाउन बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका यूज क्या है, इट इज यूज व्हेन वी हैव मेनी ऑप्शंस अवेलेबल टू बी सिलेक्टेड, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है सिलेक्ट करने के लिए, बट ओनली वन और टू विल बी सिलेक्टेड, पर हम क्या करते हैं उनमें से केवल एक या दो ऑप्शन को ही सिलेक्ट करते हैं। ओके और सिलेक्ट बॉक्स कैसे बनता है, सिलेक्ट बॉक्स इज क्रिएटेड विद सिलेक्ट एंड ऑप्शन टैग पेयर, तो ये दो टैग को मिला के बनता है, सिलेक्ट टैग को एंड ऑप्शन टैग को, ठीक है। तो मैं अब आपको बना के दिखाती हूँ कि आप कैसे बनाओगे, व्हाट कंट्री कंट्री डू यू लिव इन, ओके ये मैंने दिया, फाइन। उसके बाद आप दोगे सिलेक्ट, पहले हमारा जो फर्स्ट टैग है वो सिलेक्ट है, सिलेक्ट नेम, ओके सिलेक्ट नेम, फाइन। यहाँ पे मैंने दे दिया CONTRY कंट्री, ओके अब नेम एट्रीब्यूट क्या है, दिस इज द नेम ऑफ द कंट्रोल, यहाँ पे ये कंट्रोल का नाम है कंट्री, ठीक है, जो आपका कंट्रोल आएगा वो कंट्री नेम से आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो ये किसका जो ये सिलेक्ट बॉक्स बनता है, किसका पेयर से बनता है, सिलेक्ट टैग से एंड ऑप्शन टैग से, अब हम ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू आपने ले लिया, जैसे पहले ले लिया आपने IND इंडिया के लिए, ठीक है, ये आपने ले लिया INDIA इंडिया, फाइन। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इतना ही कर लेते हैं, ऑप्शन वैल्यू ही कर लेते हैं, ऐसे कितना, फाइन। ऑप्शन वैल्यू, अब नेक्स्ट आपने दिया USA, ओके यूनाइटेड स्टेट्स, फाइन। आपने दे दिया ये CA, ये आपका हो गया कैनेडा, फाइन। देन आपने दे दिया FR, FR4 फ्रांस, ठीक है। देन हम दे देते हैं एक और SPR, ठीक है, ये हमने दे दिया सिंगापुर, फाइन। अब आपने क्या किया, सिलेक्ट टैग को क्लोज किया,
ओके सिलेक्ट है को क्लोज किया, ठीक है। तो वैल्यू जो हमने लिया है एट्रीब्यूट, ये क्या है? द वैल्यू दैट इज सेंट टू द सर्वर इफ दिस ऑप्शन इज सिलेक्टेड, ये वो है जब आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो ये जो वैल्यू है वो जाएगी सर्वर के पास, ठीक है। जैसे आपने IND दिया तो ये IND जाएगी, USA जाएगी, तो जो जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे उसकी वैल्यू सर्वर के पास जाएगी, फाइन। ओके यहाँ पे इसको हम देते हैं BRTech, अगेन BRTech, ओके Now look at this. Refresh. देखो आपके आ गया ये, अब इसको हम देखते हैं। What country do you live in? Now look at this. आप यहाँ से जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हो वो क्या होता है, वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका सिलेक्ट बॉक्स क्रिएट हो गया, फाइन। दिस इज योर सिलेक्ट बॉक्स, फाइन। ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे टेक्स्ट एरिया, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया का क्या यूज है, जब आपको मल्टीपल लाइंस का क्या करना है, टेक्स्ट इनपुट देना है, ठीक है। आपको एक से ज्यादा लाइंस का इनपुट देना है, वहां पे आप क्या क्रिएट करते हो, वहां पे आप एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स आपको चाहिए, तो वो किसकी हेल्प से आपको मिलता है, टेक्स्ट एरिया टैग की हेल्प से। ओके तो टेक्स्ट एरिया क्या है, इट इज अ लार्जर बॉक्स दैट अलाउज मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट टू बी एंटर्ड, ठीक है। ओके तो अब यहाँ पे हम करते हैं एक और अपना बनाते हैं कॉलम एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का, फाइन। ओके टीएक्सटी टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया में कितनी रोज हो, हमने यहाँ पे 5 रोज ले लिए, ठीक है। एंड कॉलम्स, कॉस्ट हमने लिया है 50, ओके। और आपके टेक्स्ट एरिया का हमने नेम रख दिया इन्फो, फाइन। ओके और आप चाहते हो जब आपका टेक्स्ट एरिया अपियर हो तो ये आपका एक पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखा है वो मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ, हियर यू कैन एड योर एडिशनल इंफॉर्मेशन, फाइन। ओके अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नीचे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर देंगे बिकॉज ये क्या है, कंटेनर टैग है। टेक्स्ट एरिया क्लोज, BR टैग, ओके एंड BR, फाइन, सेव, रिफ्रेश। टेक्स्ट एरिया आ गया, देखो ये बाय डिफॉल्ट आया हुआ, हियर यू कैन ऐड योर एडिशनल इंफॉर्मेशन। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको हटा के अपना कुछ भी जो आपको लिखना है, हेलो जो भी आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, वेलकम टू क्लास, व्हाटएवर जो भी आपको लिखना, फाइन। ओके नेक्स्ट हम बनाएंगे कमांड बटन्स। ओके तो कमांड बटन्स में आपकी जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है सबमिट बटन, ओके एंड रीसेट बटन। सबमिट बटन क्या है, इट दिस क्रिएट्स अ बटन डेट ऑटोमेटिकली सबमिट्स अ फॉर्म, ठीक है। वो क्या करता है, आपके फॉर्म को सबमिट कर देती है सबमिट बटन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया इनपुट टाइप, इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट नेम, नेम हमने दे दिया सबमिशन, वैल्यू आपकी हो गई सबमिट दिस फॉर्म, ओके। हमने जो ये वैल्यू जो दी है वो उस पे आपकी बटन पे लिखी हुई आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने बना लिया रीसेट बटन, इनपुट टाइप आपका हो गया रीसेट, फाइन। नेम आपने दे दिया क्लियर, एंड वैल्यू, वैल्यू आपने दे दिया क्लियर फॉर्म एंड ओके। नाउ वी हैव हियर स्टार्ट ओवर,
ठीक है, तो सबमिट बटन से क्या होगा, आपकी फॉर्म की डिटेल सबमिट हो जाएगी, सर्वर के पास चली जाएगी। रीसेट से क्या होगा, आपका फॉर्म जो अभी आपने टाइप किया है वो क्या होगा, वो इरेज हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, सो डेट यू कैन फिल इट अगेन। ठीक है, आप उसको दोबारा से फिल कर सकते हो। फाइन, अब यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर्म को क्लोज कर दिया, देन आपने बॉडी को क्लोज कर दिया, एंड देन आपने एचटीएमएल को ओके सेव कर दो। अब हम देखते हैं हमारी बटन आए नहीं आए, रिफ्रेश बटन आ गए। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा ठीक है, पासवर्ड आपने कुछ भी दे दिया, फाइन, ईमेल ये दे दिया, ठीक है ओके। यहाँ पे आपने कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, हेलो। अगर मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ, देखो क्लियर हो गया, फाइन। अभी क्या होगा, आप दोबारा से कर सकते हो, ठीक है। अब सबमिट दिस फॉर्म, अगर मैं सबमिट करूंगी कुछ भी, तो अभी क्या है, मैंने फॉर्म के का लिंक कहीं से भी नहीं किया है, ठीक है, तो क्या होगा, मेरी इंफॉर्मेशन अभी सबमिट नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट्स को यूज करना है आपको अपनी इंफॉर्मेशन को सबमिट करने के लिए। हमारा फॉर्म तो क्रिएट हो गया है, बट मैं सबमिट करती हूँ, देखो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, सबमिट करने पे ये बटन कुछ भी नहीं कर रही है, फाइन। तो अब हम फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे, ठीक है, ये देखो फॉर्म। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं फॉर्म का नेम देती हूँ, फॉर्म का नेम जैसे मैंने दे दिया सैंपल फॉर्म, ओके ठीक है, ये क्या है फॉर्म का नेम। अब आप जो सेकंड एट्रीब्यूट दोगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपका एक्शन है। एक्शन में आपने क्या किया, एक्शन एट्रीब्यूट से क्या होता है, हियर यू विल स्पेसिफाई एनी यूआरएल व्हिच विल रिसीव द अपलोडेड डेटा, ठीक है। यहाँ पे आप वो यूआरएल स्पेसिफाई करोगे जो आपके फॉर्म के डेटा को रिसीव करेगा, फाइन, कि आपके फॉर्म का डेटा कहाँ जाएगा। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ मेल टू एबीसी एट द रेट, मैं सिर्फ आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे आपने मेल टू किया, अब मेल टू से क्या होगा, आपका एक जो प्रोग्राम है, मेलिंग प्रोग्राम है, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मेलिंग प्रोग्राम यहाँ पे ओपन हो जाएगा, फाइन ओके। अब जो आप जब साइट्स होती है उसमें तो क्या होता है, प्रॉपर आपका क्या होता है, एक्शन के अंदर प्रॉपर यूआरएल होता है जहां पे आपके फॉर्म का डेटा जाके सबमिट होगा, फाइन। पर यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, मेल टू दे दिया, जिससे मेरा क्या होगा, मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पे मेरा डेटा अपियर हो जाएगा, फाइन। अब मैंने मेथड दिया, मेथड दे दिया मैंने पोस्ट, पोस्ट, फाइन। अब मेथड क्या है, हियर यू विल स्पेसिफाई मेथड टू बी यूज टू अपलोड डेटा। यहाँ पे आप स्पेसिफाई करोगे कि आप कौन से मेथड से डेटा को अपलोड करना करना चाहते हो, ओके? तो इट कैन टेक वेरियस वैल्यूज बट मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड आर, तो इसकी मेथड की काफी सारी वैल्यूज होती है, बट जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो होती है गेट एंड पोस्ट, ठीक है। अब गेट एंड पोस्ट में क्या डिफरेंस है, बोथ गेट एंड पोस्ट मेथड इज यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर इन एचटीटीपी प्रोटोकॉल। हमें पता है कि गेट गेट मेथड से और पोस्ट मेथड से दोनों से डेटा ट्रांसफर होता है, क्लाइंट क्लाइंट फॉर्म जो आप क्लाइंट फिल करता है वो सर्वर के पास जाता है, ठीक है ओके। तो डिफरेंस क्या है, द मेन डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड गेट मेथड इज दैट गेट कैरीज रिक्वेस्ट पैरामीटर अपेंडेड इन द यूआरएल स्ट्रिंग। ये क्या कह रहे हैं, अगर आपने मेथड को कर दिया गेट, तो क्या होगा, जो भी आप डेटा दे रहे हो वो यूआरएल में अपीयर करेगा, मतलब यूआरएल आपको पता है जो आपका वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वहां पे उसका डेटा भी जाएगा, मतलब एड्रेस के साथ डेटा भी जाएगा, ओके। वाइल पोस्ट मेथड कैरीज रिक्वेस्ट पैरामीटर इन मैसेज बॉडी, लेकिन पोस्ट क्या करता है, मैसेज बॉडी के अंदर ही डेटा को ले जाता है, ये नहीं कि यूआरएल पर दिखाए, फाइन ओके। तो यहाँ पे पोस्ट मेथड क्या है, मोर सिक्योर है, क्योंकि अगर आप गेट मेथड यूज करते हो तो आपका डेटा यूआरएल पर दिखाई देगा, मतलब एड्रेस के साथ डेटा भी दिखाई देगा,
फाइन, लेकिन पोस्ट में क्या है, ये मैसेज बॉडी के अंदर रहेगा, एड्रेस के साथ अपीयर नहीं करेगा। तो यहाँ पे मोर सिक्योर कौन सा मेथड है? पोस्ट मेथड है। ओके, गेट मेथड इज विजिबल टू एवरीवन, ओके, एंड हैज लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी सेंट। और गेट मेथड में क्या है, लिमिट होती है, क्योंकि आप एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा ही सेंड कर सकते हो गेट मेथड से। क्यों? क्योंकि वो यूएल में अपीयर होगा, यूएल के थ्रू जाएगा, तो यूआरएल बहुत बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे गेट मेथड में जो भी डेटा सेंड करोगे वो बहुत स्मॉल अमाउंट का होना चाहिए। बट पोस्ट मेथड क्या होता है, मैं आप कितना भी डेटा सेंड कर सकते हो। फाइन, तो मैंने यहाँ पे पहले पोस्ट दिया आपको। आई थिंक डिफरेंस समझ आ गया होगा गेट एंड पोस्ट का, ठीक है? फिर एक बार समझाती हूँ। गेट के थ्रू जो आप डेटा सेंड करते हो वो यूआरएल के थ्रू जाता है, यूआरएल में दिखाई देता है। पोस्ट के थ्रू जो आप डेटा सेंड करते हो बॉडी, मैसेज ही बॉडी में जाता है, ठीक है? वो यूआरएल पे अपियर नहीं करता। तो यहाँ पे मोर सिक्योर कौन सा है? पोस्ट है, ठीक है? और पोस्ट के थ्रू आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेंड कर सकते हो, बट गेट के थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि गेट में क्या है, यूआरएल की एक लिमिट होती है कि कितना बड़ा यूआरएल होगा, तो आप बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा उसके थ्रू सेंड कर सकते हो। फाइन, तो मैंने यहाँ पे दे दिया, अब इसको कंट्रोल एस कर दिया, सॉरी। ओके, अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं पहले इसको। फाइन, अब आप डेटा जो सेंड करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे देखो, मैंने एक बार सेंड किया था तो आ रहा है शर्मा, फीमेल, मैंने कर दिया रीडिंग एंड म्यूजिक, ठीक है? इंडिया, इंडिया ही सिलेक्टेड है, इंडिया ही रहने दो, ठीक है? मैंने यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैंने दिया आई एम पीजीटी साइंस। सबमिट दिस फॉर्म। अब देखो ये आपकी जो, अब आपने सबमिट किया, अब आपका ये वर्क करेगा, ठीक है? अब आपका वर्क क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, एक यूआरएल दे दिया जहाँ पे जाके आपका डेटा सबमिट होगा, ठीक है? अभी देखो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको ओपन होने में। देखो ये हमारा आ गया है बॉक्स सी, ये मेरा बॉक्स ओपन हो गया। फाइन, यहाँ पे देखो जो मैंने वो यूआरएल डिफाइन किया था वो आ गया है। देखो यहाँ पे बॉडी के अंदर डेटा आया हुआ है, रियल नेम दीप्ति, सरनेम शर्मा, पासवर्ड 123, रीपास 123, जेंडर आपने एफ दिया था, H2 रीडिंग सिलेक्ट किया है, H3 म्यूजिक सिलेक्ट किया है, मेलिंग लिस्ट यस है आपका, कंट्री आपकी इंडिया है, ठीक है? और इन्फो में दिया है आई एम पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ठीक है? ओके, एंड सबमिट किया है, सबमिट दिस फॉर्म पे आपने क्लिक किया, तो ये आपका आ गया पोस्ट मेथड के थ्रू। क्या हुआ, मेरा मेल बॉक्स ओपन हो गया। फाइन, अब देखो अगर मैं यहाँ पे गेट मेथड कर देती हूँ ना, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये किसके थ्रू जाता है, यूआरएल के थ्रू जाता है, ठीक है? एक बार मैं ये भी करके दिखाती हूँ, गेट किया मैंने। फाइन, अब मैं इसको कर देती हूँ रिफ्रेश, रिफ्रेश सी। अब देखो बॉडी के अंदर ये अपीयर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे पेंटिंग कर देते हैं, यहाँ हमने इंडिया सेलेक्ट किया है ऑलरेडी, यहाँ पे मैं सिर्फ हेलो लिख देती हूँ, ठीक है? सबमिट दिस फॉर्म। देखो मेरा मेल बॉक्स तो ओपन हो गया, लेकिन बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है, बिकॉज जब ये डेटा ट्रांसफर करेगा वो कैसे ट्रांसफर करेगा, यूआरएल के थ्रू ट्रांसफर करेगा, बॉडी के अंदर ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने गेट मेथड यूज किया था। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्म, ठीक है? तो ये डिफरेंट जो कंट्रोल्स है वो हमने सीख लिया है, ठीक है? डेटा कैसे ट्रांसफर होता है वो आपने देख लिया, ठीक है? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द फॉर्म।